वो देखो भाई पेड़ों के बीच में चला गया। 6000 किलोमीटर राइड का उसके चक्कर में हम सब कुछ भूल जाते हैं और हमारा भी प्लान ये बना कि शायद हो सकता है हम ये वाली गाड़ी भी लेकर जाएंगे पीछे। बाद हम सोच रहे पूरी गाड़ी पे दूसरा कलर करा दें, सोच रहे हैं अभी दिमाग में चल रहा है, देखते हैं क्या करते हैं। कट की आ गई डीजे वाली कार, येलो व्हाइट ऑरेंज। हेलो हेलो, इज दिस परविता? यह कि मेरी एल्बो में दर्द है और मैं आज सुबह स्टेयर से गिर गया और मेरे को फिर और भाई साहब आज इस लड़की ने कराया नुकसान, ये देख रहे हो ये 6000 रुपए की बाल्टी हमने वहां से खरीदी और यहाँ पर जो है ना ये। क्यों नहीं खाया कोको ने खाना? भूख नहीं है? इतने बजे तो आप खा लेते हो। तो भाई सुबह के 12:30 और ये महाराज खाना नहीं खा रहे। कोको, ओए कोको, देखो ये इसका सामने खाना पड़ा हुआ है, चावल दाल हल्का सा खा के यहाँ बैठ गया महाराज। नहीं खाना, चलो मत खाओ, कोई बात नहीं। कौन है? छोटा डॉन है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। पहले ना यहाँ पर बहुत सारे सब्सक्राइबर आते थे, लेकिन सच में आपकी दाद देनी पड़ेगी। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था घर के यहाँ मत आया करो, क्योंकि ना यहाँ पर और भी फ्लोर है। अगर ये पूरे बिल्डिंग मेरी होती ना, 350 गज का प्लॉट ही मेरा होता है यहाँ पर, मैंने कोठी डाली होती, फिर मेरे को इश्यू ना होता। लेकिन ऊपर फ्लोर पर कोई और रहता, उसके ऊपर कोई और, उसके ऊपर कोई और, तो यहाँ पर पहले बंदे मिलने आते रहते थे, दिन में 50-60 बंदे आते ही आते थे। फिर मैंने अपनी वीडियो में रिक्वेस्ट करी कि यहाँ मत आया करो, क्योंकि सबको दिक्कत होती है, कभी कोई खड़ा घर के बाहर, कभी कोई खड़ा, इतनी सारी बाइक्स है, किसी गाड़ी है, गलती से चोरी हो गई, नाम मेरे पे आएगा। लेकिन आप लोगों ने वो चीज सुनी, अब घर के यहाँ कोई नहीं आता, दिल से इसके लिए थैंक्स है। बाकी अभी का सीन क्या है ना, हमारी जो गाड़ी है डिफेंडर, बहुत ही ज्यादा गंदी हो रही है अंदर, जगह जगह मिट्टी मिट्टी मिट्टी, बाहर से तो गंदी हो रही है लेकिन अंदर इतनी छोटी छोटी मिट्टी जगह जगह फैली हुई है ना। तो हम सोचे अपनी पूरी गाड़ी को ड्राई क्लीन करवाते हैं, उसके बाद आज का प्लान बताते हैं। मतलब अभी का प्लान यही है, उसके बाद क्या करना वो प्लान बाद में बताते हैं। आज हमारे जवाहर भैया ने बाहर से तो गाड़ी एकदम चमका दी है, लेकिन अभी आपको अंदर से दिखाऊंगा ना, आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो अभी हम साधनों को साथ लेके जा रहे हैं, गाड़ी में जितना भी छोटा मोटा सामान है ना, सारा का सारा थैले में डाल लाएंगे। और टाइम देखो भाई, दोपहर के 2 हमने यही बचा दिए। और अभी हम जा रहे हैं अपने भाई के वहाँ पर कस्टम गैराज पे, मैंने उनको सुबह ही फोन कर दिया था कि भाई देखियो इसको, कोको इसको दिख रहा है बाहर डॉग, अभी दिखाता हूँ। वो देखो इसके पीछे भौंक रहा है वो, को क्या हो रहा है? ऐसा नहीं लगता ऊपर से कोई बंदा देख रहा है जैसे। ये अखबार भी भेज देना ऊपर, पानी की बोतल और पानी की बोतल और ढेर सारी पानी की बोतल और पानी ही पानी। वो देखो भाई पेड़ों के बीच में चला गया। लो भाई ये हम फिर से भूल गए, हम ना गजनी हो गए हैं। एक्चुअली गजनी क्यों हो गए ना, क्योंकि हमारा जो प्लान बन रहा है ना 6000 किलोमीटर राइड का, उसके चक्कर में हम सब कुछ भूल जाते हैं। और हमारा भी प्लान ये बना कि शायद हो सकता है हम ये वाली गाड़ी भी लेकर जाएंगे पीछे रैक लगवा के, कि बाय चांस किसी का बाइक चलाने का मन नहीं है, बहुत सारी बाइकें जा रही है और सारी की सारी सुपर बाइकें, नहीं 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 टूरिंग भी है और सुपर भी है, मतलब हर कैटेगरी की बाइक जाएगी। तो प्लान ये हो रहा है कि हम इस गाड़ी को भी लेकर जाएंगे, इसलिए इसको आज पूरा ड्राई क्लीन करा के एकदम साफ करवा दे। देख रहे हो क्या ही बड़ा है ये ट्रक, लेके चलेगा हमारा राइड पे, इस पे तो कारें भी आ जाएगा। ये ट्रक अगर हम राइड पे लेके चल पड़े ना भाई, मजा आ जाएगा। ओ भाई साहब साइड में दे। रात पे ही रहना, ही खाना, ही पीना, ही सब कुछ, ये पूरा घर है भाई, हमारा पूरा घर है इसके अंदर। क्या सही बादल हो रहे हैं ना, मौसम बहुत सही हो रहा है। ये बादल बहुत ही बड़ा है, ये जहाँ होगा ना वहाँ बारिश होगी और बाकी जगह नहीं होगी, बाकी भी हो सकती है। हम मौसम का हाल बताने वाले बन गए हैं आज ना। धुआ धुआ कर दिया सब कुछ, ये तो डायलॉग है, लेकिन हमने झाग झाग कर दिया सब कुछ। लो ज्यादा दूर फोन कर रहा है ना, आवाज जा नहीं रही होगी, भगवान से बात कर रहा हूँ। बारिश करवा दी है, गाड़ी साफ करवाने का क्या फायदा। हाँ लग गई लाइन। अरे भगवान क्या चक्कर है, अरे बारिश रुकवा दो, अभी गाड़ी धुलवाई है, जस्ट अभी धुलवाई है, कितनी मेहनत लगती है, मतलब सारी मेहनत मिट्टी करवा दोगे यार। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कह रहे आधा घंटा होने तो, फिर उसके बाद रुकवा दूंगा, आधे घंटे बाद निकलना यहाँ से, तब तक अंदर से साफ हो रही है वो दिखाते हैं, तब तक चाय पीते हैं। हाँ तब तक चाय पीते, चाय भी आ गई है अपनी। लो भाई अपनी गाड़ी अंदर से तो चमक गई है पूरी, जो फ्रंट पे आपने देखा था ना ये नियॉन कलर का था और
ये जो हमारा डिफेंडर भी नियॉन कलर का था जो कि उतार दिया, हम सोचे इसका कलर चेंज करा दे, लेकिन अभी डिसाइड कर रहे हैं कौन सा कराएं। इसको अलग कलर कराएंगे और इसको अलग कराएंगे, कुछ ना कुछ हटो बचो कराएंगे, दूर से अच्छा लगेगा। सेम सेम नहीं करेंगे इस बार? सेम सेम नहीं ना, पता कैसे लगा अपनी गाड़ी है, कुछ अलग अलग होना चाहिए। वही तो, पहले सेम सेम कराया, इस बार दिमाग में चल रहा है कुछ इसको येलो कर दो, उसको ब्लू कर दो, या उसको ब्लू इसको येलो, या कुछ मजेंटा ऑरेंज। देखो कुछ भी करवाते हैं ना, कईयों को पसंद आता है, कईयों को नहीं पसंद आता, सबकी पसंद अलग अलग होती है, लेकिन अपने को पसंद आना चाहिए। बस बस बस, ज़्यादा नहीं डालना, बस बहुत है। तो यहाँ अपने को पानी मिल गया, शैम्पू मिल गया, ये काम भी एकदम बढ़िया हो गया। कुछ तगड़ा प्लान कर रहे हैं, लेकिन इतने सारे कलर देख के ना कंफ्यूज हो गए हैं। वो तगड़ा प्लान हमारा कम तगड़ा हो गया है, पहले तगड़ा था, सोच के आए थे ऐसा ऐसा करना है, लेकिन अभी थोड़ा फेर बदल हो गया उसके अंदर ना। इसे कहते हैं महंगे वाला रहा, एक ही बारी में पूरा साफ, कोई स्क्रैच नहीं कुछ नहीं। और अभी हम इस पर दूसरा कलर करा रहे हैं, और उसके बाद हम सोच रहे हैं पूरी गाड़ी पर दूसरा कलर करा दें, सोच रहे हैं अभी, दिमाग में चल रहा है, देखते हैं क्या करते हैं। भाई गाड़ी तो अपनी ऐसे भी एकदम शानदार लग रही है, लेकिन अपने को ऐसा है ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ कलर चाहिए गाड़ी के अंदर। पूरी ब्लैक अच्छी तो लग रही है, लेकिन कुछ हल्का सा डिफरेंट कलर हो ना तो और ज़्यादा बढ़िया लगेगी। और जब इतने सारे कलर देखने को मिल जाते हैं ना, बंदा वैसे ही कन्फ्यूज हो जाता है। हम सोच रहे हैं येल्लो करें, रेड करें, ये करें, ये करें, ऑरेंज कर देगा, ऑरेंज ऑरेंज नहीं यार, ऑरेंज बड़ा वो हो जाएगा, मतलब आँखों में चुभने वाला। तो अभी हमने डिसाइड करा है, हम जो नीचे वाली पट्टी है ना, जो भी अभी ग्रीन कलर की उतारी है, उस पर येलो कर रहे हैं, और जो डिफेंडर लिखा हुआ उस पर रेड कर देंगे। पहले ये लगा के देखते कैसा लगेगा। और ये देखो अपने भाई लोग मिलने हैं, और सब बढ़िया, एकदम बढ़िया, सब बढ़िया भाई। ये देखो, अरे ये तो ऐसे कहती है, अरे ये नहीं, ये देखो, ये अभी हमने इसको करवा दिया है, अच्छा लग रहा है येल्लो ना, दूर से देखने में अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरे मन में क्या आ रहा है ना, डिफेंडर येलो नहीं करवाता, डिफेंडर को रेड करवाता हूँ, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है अच्छा लगेगा। अब नहीं लगेगा तो कराने के बाद ही पता लगेगा। कर दो इसको रेड, कर दो भाई। तो भाई अभी हमने येलो के साथ रेड करा है, मज़ा सा नहीं आ रहा मेरे को, पता क्या लग रहा है, इसको ना डीजे वाली कार बना दूँ, सारे कलर अलग अलग करके, तो सारे कलर अलग अलग आ गए, फिर सबने क्या बोलना है, डीजे वाली कार, जट की आ गई डीजे वाली कार। येलो, वाइट, ऑरेंज, रेड तो है ही है, ब्लू कर दो, सब अलग अलग कर दो भाई। अब कोई ये नहीं बोलेगा येल्लो येल्लो डर्टी फेलो, क्योंकि येल्लो अब हमारा हो गया फेवरेट, बहुत बढ़िया लग रही है। ब्लैक गाड़ी में ना हल्का सा टीका देने की ज़रूरत होती है, ये हमने टीका दिया है इसको, पूरी ब्लैक अच्छी तो लगती है, लेकिन एक कुछ येल्लो कलर का टीका, रेड कलर का टीका, मज़ा आ गया भाई। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कैसी लग रही है। भाई अपने को लग गई है तगड़ी भूख, और ये है ड्राइव थ्रू, और ये ड्राइव थ्रू में पेड़ कैसे आ रहा है? अच्छा भैया कुछ बताने आ रहे हैं सर जी, ड्राइव थ्रू में जाना है आपको। हाँ जी भैया, निकल जाएगी ना यहाँ से? हाँ निकल जाएगी, रोड बनवा रहा है यहाँ पे। अच्छा हमारे लिए बनवा रहे हो क्या रोड? और क्या, अरे बहुत बढ़िया, बस ये पेड़ और थोड़ा हटवा देना है ना यहाँ से, सब चीज हट जाएगी, देख लो ये अंदर ही आ गया, हमारे साथ ही जाना चाहता है क्या? ना बेटा ना, लो भाई हमारे लिए रोड बन रही, भैया कह रहे हैं बना दो जल्दी, हम तो पहली बार आए हैं। दो चिकन बर्गर कर दो, मैक चिकन दो सर, हाँ दो मैक चिकन। ओके भाई ये सही चीज है यार, मेरे को लगा कंप्यूटर लगा हुआ है, ऐसे उंगली से बटन दबाऊंगा ऑर्डर कर लूंगा। हाँ ऐसा था, अंदर से बंदे की आवाज आ रही है, मैं पास गया, मैंने ये कौन बोल रहा है, कह रहा भैया क्या खाओगे, हमने बोला दो मैक चिकन खाएंगे, कह रहे आ जाओ ले जाओ। अच्छी चीज है भाई, एडवांस हो रहा है इंडिया हमारा ना धीरे धीरे, वहाँ पे बोल दिया हमने, यहाँ पे भी ले लेंगे ना, लाइन में खड़े हो जाएंगे, आगे से पकड़ा देगा, खाते हुए निकल जाएंगे, अब एक्सरसाइज करके आएंगे। फ्रेंच फ्राइज नहीं यार, खाली वो खिला दो भाई, तीन तीन काउंटर है, पहले ऑर्डर दो, पेमेंट करो, और यहाँ पर्ची दिखा के बर्गर ले लो। पर्ची नहीं देनी? अरे वाह, पर्ची भी नहीं देनी, पता चल गया अपने उनको। और अभी वो मैकडी वाले भैया भी आ रहे हैं, वो सब्सक्राइबर देखे, दो मिनट आगे रोक लेना, फोटो करानी है। और अभी ना मैंने एक नया नंबर भी खरीदा है, नंबर तो हम चेंज करते रहते हैं, उससे मैं परविता मैम को कॉल करता हूँ, और उनको बोलता हूँ मेरे को फिजियो करवानी है, मेरे हाथ में चोट लग गई है, पहले वो फोटो खिंचवा लूँ फिर करते हैं। हेलो हेलो, यस इज दिस परविता? Yeah, I have pain in my elbow. Okay.
बेसिकली आई स्लिप फ्रॉम माई स्टेयर्स एंड आई थिंक देयर इज अ लिगामेंट टियर. No, I didn't get any x-ray or MRI. So who diagnosed that you have a ligament tear? Thinking so. Okay, that's a self-diagnosis. Yeah, self-diagnosis. Okay, and how long it's been since you? Today morning. Today. Okay, fine, bye-bye. अब तुम्हारा भाई करेगा अपने नंबर से फोन, फिर मैं बोलूंगा इज दैट पविता भाई, पेल देंगी मैम मेरे को, पेल देगी, क्या क्या करता रहता है, घूसे घूसे बजा देगी. अभी देखो भाई, अब निकालता हूं अपना फोन भाई यार, अब मेरे को डर लग रहा है. हेलो जी सर, जी इज दैट पविता? या अरे मेरा नंबर सेव नहीं है क्या? मैम प्रभजोत बोल रहा हूँ. पता है मुझे तो पहले भी पता था क्या आपको? और क्या? अरे रहने दो, झूठे कहीं के हो ही नहीं सकता. I'll share the screenshot with your save number. सेव नंबर, ये तो ये वाला नंबर सेव है ना, पहले वाला तो सेव हो ही नहीं सकता. इससे पहले जो भी एल्बो फ्रैक्चर के लिए कॉल किया, हाँ वो मैं ही था. क्या कुछ भी और कौन था वो? आवाज नहीं पहचानी ना आपने? देखा तो आपको अभी भी नहीं लग रहा कि मैंने किया था कॉल? अरे यार मैम देख रहा हूँ, मतलब मैं चलो मैं इसका मतलब मैं प्रैंक कर सकता हूँ ना? बिल्कुल. अगर आपको नहीं लग रहा कि वो मैं था तो इसका मतलब प्रैंक कर सकता हूँ. कर सकते हो 100%. या आज मेरे को नई उपाधि मिल गई है. अभी ये बताओ जिम आ रहे हो क्या? मैम बस रही है कह रहे, अरे हो ही नहीं सकता तुम्हारा कॉल था. अरे मतलब अब तुम्हारे भाई को एक और उपाधि, पहले मैं यूट्यूबर था, उससे पहले मैं इंजीनियर था, उससे पहले मैं शॉपकीपर था, अभी मैं प्रैंकस्टर हूँ. मैं प्रैंक कर सकता हूँ किसी के साथ भी. बस नीचे अपना कमेंट सेक्शन में किसी का भी नंबर लिखना और लिखना कैसे किस टाइप का प्रैंक आपको चाहिए, तुम्हारा ही प्रैंक करेगा. चलो. और भाई सामने के बादल देखो यार, क्या ही सुंदर लग रहा है ना. यहाँ बिल्कुल काले बादल और सामने आई थिंक सूर्य देवता डूब रहे होंगे ना वहां पर. क्या सुंदर लग रहे हैं. चलो बादल देखते देखते ही अपने बर्गर के निकाल लेते हैं. अगर एक भी चीज गाड़ी में गिरी ना, हाँ. तेरे को यहीं छोड़ के जाऊंगा, तो आएगा बस पे. जिसे गाड़ी भी छोड़ देना. नहीं नहीं नहीं, एक साथ छाप करा के लेके आऊंगा. नहीं नहीं नहीं, तू बस पे आएगा, मैं गाड़ी लेके जाऊंगा, गाड़ी में साफ करा. जिस हिसाब से तू चटनी खोल रहा है ना, ये लगा पिचकारी उछल के आधी वहां जाएगी, आधी मेरी टी शर्ट पे आएगी. वरना मेरे साथ स्कूल में सीन हुआ था बचपन में, क्या होता था ना, पेन नहीं चल रहा होता था तो हम पेन को ऐसे ऐसे छिड़कते थे. और भाई मैंने 3-4 बारी ऐसे छिड़का ऐसे छिड़का, आगे दो बच्चे बैठे हुए थे, उनकी व्हाइट शर्ट पूरी इंकिंग हो गई थी और फिर मेरी हाथापाई भी हो गई थी. अगर तूने जान के कर दिया, मतलब भाई मैंने जान के नहीं करा, उसमें से इंक निकल आई है, फिर चाटाबाजी हो गई, फिर मैम बीच में आ गई, फिर तीनों की हुई पिटाई, फिर उसके बाद हम दोस्त बन गए. ऐसा अक्सर होता रहता है. आज हमें लगा था बिल्कुल भी जाम नहीं मिलेगा हाईवे पे, वो देखो भाई वो आगे तक. सैटरडे को बेसिकली इतना जाम नहीं होता, मेरे को लग रहा है शायद रास्ता बंद कर रखा होगा. क्या लगता है? एक्चुअली बात यह है कि सबको लग रहा था कि जाम नहीं मिलेगा, इसलिए सब लोग निकल के आए. ऐसा भी हो सकता है. लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा ना, वो आगे कहीं बैरिकेड लगा रखे होंगे और सबको यू टर्न मरवा रहे होंगे. साहब हाईवे के बीच में सूचना लगा दिया. इतने दिन से हमने नियोन कलर कराया हुआ था ना, अभी येलो कराया ना, थोड़ा अलग सा लग रहा है लेकिन सही है, बढ़िया भी लग रहा है. और देखो कितनी देर पहले निकले थे, अब जाके पहुंचे हम 8:15. बाकी दिन तो अपने को जाम मिलता ही मिलता है. आज के दिन तो बिल्कुल ही उम्मीद ही थी, साथ सैटरडे है तो आज तो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन बहुत ही तगड़ा मिल गया. हैप्पी ओए, देखो क्या लग रहा है, हैप्पी ओ भाई. उठा इसको गोदी में उठा. क्या सही लग रहा है ना कटिंग करा के. क्या हो गया हैप्पी? नोनू मोनू यार, इज दिस पविता? आपने नहीं पहचाना था ना, सही में सच्ची अच्छी बताना. तुम्हारा नंबर है? हाँ. अभी भी नहीं मान रहे? सच में नहीं मान रहे? शक्ल दिखाओ, सच में नहीं मान रहे? अच्छा बताना, प्रॉब्लम क्या बताई थी? कि मेरी एल्बो में दर्द है और मैं आज सुबह स्टेयर से गिर गया और मेरे को फिर फीजियो करानी. आपने आइस पैक लगा लो, मतलब चलो ठीक है मैं मंडे आता हूँ, कल आपकी छुट्टी है, मंडे को कितने बजे आऊँ? 5-7 का टाइम है, ये है वो है, यही बात हुई थी सारी. तुम ही थे? उसी नंबर से मिस कॉल मारू? अरे मैं ही था. अच्छा मैं बताता हूँ, इनको लग नहीं रहा होगा ना कितनी अच्छी इंग्लिश मैं ही बोल सकता हूँ. ऐसा सही बात तो सच यही है, यही है ना. बस सच में एक्सेंट मैच नहीं हो रहा था. हाँ नहीं मैच हो रहा था ना, लेकिन
वो मैं ही था, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है पूरी की पूरी। अभी भी नहीं मान रहे, ये तो दिखाया ही नहीं। अब आप चेक करो पहले, सेम नंबर से बेल आ रही है नहीं आ रही। मैम को बिल्कुल भी नहीं पता लगा है ना। लेकिन आपने तो वीडियो देखी, कल आप भी वीडियो देख लेना। और ये देखो मेरा नया फोन, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत है ना। मैम को वीडियो दिखा रहे हैं प्रैंक वाली। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है जब मेरे को कहीं जल्दी होती है ना जाने की, तो हम किसी ना किसी रीज़न की वजह से लेट हो जाते हैं। अभी टाइम एग्जैक्ट 10:11 बजे का हमारा मूवी का शो है पास में ही MBS मॉल में। मैं जा रहा हूँ देखने के लिए गदर। बहुत टाइम हो गया किसी मूवी हॉल में ना मैंने कोई पिक्चर देखी नहीं है। लास्ट मैंने दार्जिलिंग में देखी थी। बहुत टाइम तो नहीं, टाइम तो थोड़ा ही हुआ, लेकिन बहुत सारी मूवी निकल गई है। गदर भी आई है, जवान भी आई है, ओ माय गॉड भी आई। तो हमने सोचा आज गदर देखते हैं, कल कोई दूसरी देख लेंगे, परसों कोई तीसरी देख लेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे लॉन्ग राइड पे। और इस भाई साहब ने पता क्या किया, गदर को फोन पे डाउनलोड करके देख लिया। जब मैं टिकट बुक करा था ना मेरे पास फोन में देख लो। भाई कहां से डाउनलोड करी पहले ये बता। YouTube में पूरी मूवी YouTube पे डाल के रखा है। पूरी मूवी YouTube पे पड़ी है। और अपने पास Android का फोन है ना। हाँ, उसमें सब कुछ डाउनलोड हो जाता है एंड्रॉइड के फोन में। अब तो मेरे पास भी एंड्रॉइड का फोन है, उसमें सब कुछ डाउनलोड होता है। लेकिन मेरे को ना यार थोड़ा वैसा होता है कि हाँ कोई अच्छी मूवी है, अब मुझे नहीं पता अच्छी है कि नहीं, रिव्यू अच्छे हैं जाके देखूंगा फिर आपको बताऊंगा कैसी है। लेकिन मेरे को ना उसको हॉल पे देखना था, तो मैंने अपनी और साहिबा की टिकट करा दी। इसको मैंने बोला चल ले, कह रहा भाई मैंने देखी हुई, मैं करूंगा आराम। उस मूवी को मैं दोबारा नहीं देख सकता, वन टाइम वॉच है। चल वन टाइम है, कम से कम मैं तो जाके देख लूँ। आज मौसम पूरा दिन एकदम बढ़िया था, बताऊँ कैसे। ये देखो ऐसे कांगी अब अभी तो बारिश आ रही थी। आ गई भाई। ये देखो मैं बोलूँ अंडरपास में घुसने से पहले तो बारिश आ रही थी, अब कहाँ गायब हो गई। क्या मस्त बारिश हो रही है भाई, एक नंबर बारिश तो होना ही था आज। क्यों आज क्या है? कार से धुलवाया आज। हाँ आज तो ऑब्वियसली होनी है बारिश। घर आते ही हमने खा लिए दाल चावल, और इसको देखो हम खाना खाएं और ये हमारे साथ ना बैठे, ऐसा हो सकता है। कोको इसको आज हैप्पी खुशबू आ रही है ना। ओए कोको गुड मॉर्निंग। तुम्हारी तो गुड मॉर्निंग हो रही है, अभी सो के उठी ऐसा लग रहा है। तुमने हमारी गाड़ी में एक चीज नहीं देखी हमने करवाई। क्या करा लिया? नहीं नजर आ रही। येलो डर्टी फेलो। फोर्टी फेलो नहीं होता, डर्टी फेलो होता है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ कुछ अलग हो गया ना, थोड़ा हटके। चलो चलो चलो, टाइम नहीं है, 11 बजे का शो है हमारा। सैटरडे को जो FM पे पुराने गाने आते हैं ना भाई, मजा आ जाता है। कॉलोनी वाला गेट भी बंद हो गया, दूसरे गेट से घूम के जाना पड़ेगा, ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। आज तो ऐसा हो गया ना, पूरा दिन बारिश रुकी नहीं। शाम को हो रही थी, हाँ हाँ जब हम शाम को गए तब भी हो रही थी, फिर वापसी है तब भी हो रही थी। अभी क्या मैंने तो देखी नहीं पा रहे। तो तुम घर से निकली नहीं होगी ना सुबह से, हम तो बाहर ही थे ना। मुझे लग रहा था टाइम से नहीं पहुँचेंगे, लेकिन लगभग हम टाइम से पहुँच गए। पार्किंग में जो टाइम लगेगा वही लगेगा। ये देखो पतला होने का फायदा, गाड़ी कहाँ लगाई है और मैं उतर भी गया। और मैंने ना अपने फ़ोन से कवर उतार दिया, कितना सही लग रहा है ना फ़ोन, बढ़िया नहीं लग रहा? जैसे मेरा टूटा था आपका भी, जैसे मेरा टूटा था आपका भी टूटेगा। मेरा नहीं टूटेगा, मैं पॉकेट में रखता हूँ, निकालूंगा ही नहीं बाहर। बताओ रात के 11 बजे भी मॉल में इतनी भीड़ है। भाई साहब आज इस लड़की ने कराया नुकसान, ये देख रहे हो, ये 600 रुपये की बाल्टी हमने वहाँ से खरीदी है, और यहाँ पर जो है ना ये यहाँ पर इतनी बड़ी बाल्टी है 600 रुपये की। वहाँ चोर मचारी यहीं से ले लो कोई खा नहीं जाए। कहते हैं भाई टाइम से पहुँचना, धोखा नहीं दे। रात के ढाई बजे गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, ये सारे के सारे मूवी देख के निकल रहे हैं। वो देखो उधर इधर आवाज बदल के वो मान गई, कह रही आप मंडे को आना, आप आइसिंग कर लो, आप ऐसा कर लो वैसा कर लो। फिर जाके मैंने मैम को बताया ना फिजियो सेंटर की, वो मैं था, कह रही हो ही नहीं सकता इतनी अच्छी इंग्लिश। अरे माल दीदी कह रही इतनी अच्छी इंग्लिश मेरे को तो नहीं यकीन हो रहा। फिर मैंने उनको वीडियो दिखाई, बोले ये देखो आपकी वीडियो, कह रही यार आज तो सही में प्रैंक कर दिया तुमने मेरे साथ, बोला जबरदस्त था आपको, मेरे को पता मजा आया उसमें। तो बाकी होप करते हैं आपको इस वीडियो में मजा आएगा। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया लाइक करें, बिल्कुल मत जाना। मूवी का हाँ रिव्यू बता दूं, मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉच है, लेकिन मूवी में बहुत
तगड़े तगड़े एक्शन दे दिए, मतलब कुछ ज्यादा ही तगड़े दे दिए कि दूर से चाकू फेंका रस्सी कट गई। लेकिन अच्छी है मूवी, एक बार तो देखनी चाहिए, दो बार ही नहीं एक बार तो देखनी चाहिए। बाकी होप करते हैं आपको आज की वीडियो में मजा आया, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय टेक केयर हैव नाइस डे बाय 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 बाबा। और हाँ प्लीज कमेंट कर दिया करो यार, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया ये वाला सीन देख रहे हो तो कुछ भी कमेंट करके जाया करो, छोटा मोटा जो अच्छा लगे कमेंट किया करो। अरे बाप रे बाप पानी भरा हुआ रोड पे, चलो बाय बाय। जीत भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।